हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन हम भाव कॉपी में जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आज सीखने का प्रयत्न करेंगे। आप कोई भी सेगमेंट में हो, आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी बन रहा है। ऑप्शन के मार्केट के अंदर आप बायर या सेलर बन के जो भी आप काम कर रहे हो, उसके पहले आपको बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो भाव कॉपी डिकोडिंग रहती है। जब भी आप भाव कॉपी एक बार मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस की डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद आपको ये पूरी भाव कॉपी डिकोडिंग करने के लिए आपको सिंपली आज मैं पूरी आपके ही सामने एक्सरसाइज करने वाला हूँ। पहले आपको इंसर्ट में जाना है, जहाँ जाके आपको पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको न्यू वर्कशीट पे टिक रख के ओके कर देना है। सिंपली आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां आपको साइड में ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट सिंबल एक्सपायरी ये मतलब पर्टिकुलर टाइप से आप पूरा डेटा का यहां डिकोडिंग कर सकते हो। अब डिकोडिंग करने के लिए मुझे स्टॉक्स का नाम चाहिए, इसीलिए मैं सिंबल टिक कर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट में आपको टिक करना है तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में मतलब एक ही सेगमेंट का कोई ऑप्शंस चाहिए, तभी आपको इंस्ट्रूमेंट में टिक करना है। अभी मैं अनटिक कर देता हूँ। एक्सपायरी डेट, पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट, जब भी रोल ओवर की हम परिस्थिति जानने का प्रयास न करते हैं, वो टाइम पे एक्सपायरी डेट का महत्व रहता है। आज के डेट में हमको तीनों एक्सपायरी का कंबाइंड डेटा देखना है, इसीलिए मुझे एक्सपायरी डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्राइक पीआर, यानी कहने का मतलब ये जो स्ट्राइक पीआर है वो बेसिकली ये पूरा सम करके हमको ये दे देता है। पर्टिकुलर जो भी स्ट्राइक फ्यूचर जो भी उसका टोटल आता है वही हमको यहाँ मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हो, डबल क्लिक में करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो आरती इंडस्ट्रीज का कोल पुट फ्यूचर जो भी डेटाज है वो सब मतलब यहाँ इकट्ठा करके मुझे टोटल मिल जाएगा। सो बेसिकली अभी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और अगेन उसको मैं अनटिक कर देता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ऑप्शन टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, कोल पुट और फ्यूचर, इसीलिए मैंने टिक किया हुआ है। इसको आपको ये रो में से कॉलम में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैं कॉलम लेवल में यहाँ लगा रहा हूँ, ताकि मुझे कॉल पुट और एक्सेस यानी फ्यूचर का डेटा यहाँ रो कॉलम में मिल जाए। उसके बाद ओपन हाई लो क्लोज, ये पर्टिकुलर आपको कोई प्राइस एनालिसिस करना है तो ज़रूरत पड़ने वाली है, बाकी यहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सेटलमेंट प्राइस, जो कि आपको ये पर्टिकुलर सेटलमेंट का प्राइस का ज़रूरत है, समझो आरती इंडस्ट्रीज का आज के दिन क्या सेटलमेंट प्राइस है उसकी आपको ज़रूरत है, तो यहाँ आप टिक मार्क कर सकते हो। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट, आज की डेट में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, क्या वॉल्यूम हुआ है, वो सब यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ वैल्यू इन लैक्स यानी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ अमाउंट यहाँ आपको मिल जाता है, वो भी मेरे अभी के लिए कुछ काम का नहीं है। यानी हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ वैल्यू इन लैक्स का ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे ओपन इंटरेस्ट की ज़रूरत है, फिर मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की ज़रूरत है। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो सम ऑफ ओपन इंटरेस्ट, सम ऑफ चेंज इन ओआई, यानी कहने का मतलब कॉल का कल के दिन ओपन इंटरेस्ट टोटल 540,600 आरती इंडस्ट्रीज में था, मतलब फ्राइडे के दिन 171,700 का कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो चेंज आता है वो ऑलरेडी ये पर्टिकुलर सम में इंक्लूड हो जाता है। सो ये पर्टिकुलर इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमको ये भाव कॉपी में से डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ टाइम स्टैम्प रहता है, जो भी मतलब हम रिजल्ट सीजन के लिए एनालिसिस निकालते हैं, या तो हम तीन चार या तो पाँच दिन की कंबाइंड भाव कॉपी मिला के कोई भी एनालिसिस करते हैं तो टाइम स्टैम्प की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ टाइम स्टैम्प करता हूँ तो मुझे एक्सपायरी डेट का डेटा यानी 25 जून का मतलब जो भी एक्सपायरीज का डेटा है वो मेरे को मिल जाता है। अभी मैं हटा देता हूँ। सो बेसिकली मुझे जो जो डेटा की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ सॉर्ट कर लिया है। अब मुझे यह कॉपी करके बाजू की एक्सेल पे लेके जाना है। सो सिंपली मैंने ये सब सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ आप देख सकते हो, और मैं यहाँ सिंपली इसको पेस्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास अलग अलग डेटा अवेलेबल हो गए हैं। कहने का मतलब है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल, सम ऑफ पुट, सम ऑफ चेंज इन पुट, सम ऑफ फ्यूचर एंड सम ऑफ चेंज इन फ्यूचर। सो यहाँ मैं कॉल लिख देता हूँ सी, यहाँ मैं पुट लिख देता हूँ और यहाँ मैं एक्स एक्स यानी फ्यूचर लिख देता हूँ। अब मुझे चेंज को
परसेंटेज टर्म्स में करने के लिए मुझे यहाँ एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ मैं बेसिकली एक इंसर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ मुझे लिखना है इक्वल टू C3, यानी जो कल के दिन आर्ट इंडस्ट्रीज में चेंज हुआ वो डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में, पहले दिन जो था यानी 5,40,000 जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है आज की डेट में आर्ट इंडस्ट्रीज के कॉल साइड, 5,40,000 जो शेयर्स ओपन हुए हैं उसमें जो आज का चेंज है वो मैं रिड्यूस कर देता हूँ, सो मुझे थर्सडे का नेट चेंज मिल जाएगा, और उसको मैं यहाँ सिंपली ब्रेकेट ओवर करके क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ मिल जाता है 47% का चेंज आरती इंडस्ट्रीज के अंदर हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं BFRL की एंट्री आज फ्राइडे के दिन यानी कल ही हुई थी, आज सैटरडे है, सो बेसिकली मुझे प्रीवियस डे का डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर डे पे ही 9,59,000 का हुआ इंक्रीज यानी यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ सेम वे में पुट में भी करता हूँ, तो मैं यहाँ सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरी जो फॉर्मूलाज है वो अपने आप चेंज हो जाएगी और पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कल के दिन आरती इंडस्ट्रीज के अंदर पुट साइड 33% की पुट के अंदर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। अब यहाँ आप सेम वे फ्यूचर में भी आप कर सकते हो, सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो 7% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ फिल्टर लगा रहा हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। सो बेसिकली कल के दिन ये जो चार न्यू एंट्रेंस है BFRL, कोरोमंडल, इंडियन होटल्स एंड मेट्रोपोलिस, ये पर्टिकुलर चार का डेटा हमारे पास प्रीवियस डे या मंथ या कोई भी नहीं है, कल ही इंक्लूड हुए हैं। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि आइडिया के अंदर 34% की OI इंक्रीज हुई है, सो उसके हिसाब से मुझे उसका प्राइस देखना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं गूगल पे जा रहा हूँ और यहाँ लिखता हूँ आइडिया ऑन NSE इंडिया। जैसे ही मैं आइडिया का डेटा निकालने का प्रयास करूँगा तो मैं गेट डेरिवेटिव कोट्स पे क्लिक मार्क करता हूँ, तो मुझे यहाँ 29 जुलाई का डेटा क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ 31.61% की चेंज दिखने को मिल रही है, जो कि 34% यहाँ हमारे सामने दिखने को मिल रहा है। आइडिया के अंदर 34% का चेंज देख रहे हो, यहाँ पर्टिकुलर हम NSE की वेबसाइट पे देखते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में 32% का चेंज दिखने को मिलता है। सो बेसिकली जो एक्स्ट्रा 2% का चेंज है वो अगस्त और सितंबर दोनों को मिला के ये सब मिल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 194% है, जो कि अगस्त मंथ के अंदर दिखने को मिलता है। जो हमें पर्टिकुलर चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालते हैं, तो ये जो 194% का चेंज आपको यहाँ 2 करोड़ के वॉल्यूम में दिखता है, वो सेम चेंज 29 जुलाई के अंदर 60 करोड़ के वॉल्यूम के सामने, मतलब 2% से बिलो ए पर्टिकुलर चेंज दिखता है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर एनालिसिस या तो एक्सरसाइज करने के बाद हमारे पास डेटा आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर आइडिया का शेयर है वहाँ 11% की मूवमेंट दिखने को मिली है। यहाँ VWAP देख सकते हो, VWAP यानी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के हिसाब से जो आज के दिन उसका जो क्लोजिंग आया है वो 10.27 आया है। सो कहने का मतलब ये है कि जो बाइंग देखने को मिली है वो VWAP प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऑफ है, यानी कहने का मतलब ये बायर का ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां बायर का थोड़ा इंफासिस ज़्यादा है पर्टिकुलर आइडिया के स्टॉक्स के अंदर। सो बेसिकली जहां VWAP आपको क्लोजिंग प्राइस से बिलो दिखना मिलता है और ये पर्टिकुलर सेगमेंट को आप बाय जोन देख सकते हो। उसके बाद हम रेट चेंज में देखने वाले हैं कि जहां पर्टिकुलर कोई भी ओपन इंटरेस्ट 10% से ज़्यादा चेंज हुआ है और उसके पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर 2% से ज़्यादा परसेंट की मूवमेंट प्लस और माइनस आई है, तो ये पर्टिकुलर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें वर्क कर सकता है। सो बेसिकली यहां प्राइस चेंज 11% है और प्राइस चेंज और ए पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि OI इंक्रीज हुआ प्लस प्राइस भी इंक्रीज हुआ, तो उसको हम लॉन्ग बिल्डअप। सो बेसिकली दिस वे आपको 1 by 1 पर्टिकुलर एनालिसिस करना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन में आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जहां कॉल या तो पुट साइज 10% से ज़्यादा का चेंज है और उसके सामने 10% से ज़्यादा का अनचेंज या तो लेस चेंज है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ काउंट करने के लिए देखते हैं, तो आप देख सकते हो एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर
कॉल साइड 30% का चेंज है, पुट साइज 8% का ही चेंज है। तो यहाँ आपको पर्टिकुलर एक्साइज की ऑप्शन चेंज के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर एक्साइज इंडस्ट्रीज के अंदर एटीएम पे वॉल्यूम हो रहा है या तो आउट ऑफ मनी कॉल ओटीएम कॉल में पर्टिकुलर ऑप्शन देखने को मिलता है। सेम वे यहाँ आप देख सकते हो ट्रेंड के अंदर 67% का चेंज है कॉल साइड और पुट साइड -14। सो पर्टिकुलर ये जो सेटअप बन रहा है वो एकदम हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटअप दिखने को मिलता है, जो कि यहाँ आप देख सकते हो कि वॉल्यूम इतना बड़ा हैवी नहीं है, बट 100 लॉट प्लस का वॉल्यूम एटीएम पे दिखने को मिलता है। तो पर्टिकुलर सेटअप हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटअप मान सकते हैं। सो ऐसे सेटअप के अंदर बहुत बड़ी गिरावट ट्रेंड के अंदर दिखने को मिल सकती है, क्योंकि पुट का अनवाइंडिंग हुआ है और कॉल का न्यू फेस ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं मोटा मोटा यहाँ कि ट्रेंड का जो आगे का मूवमेंट है वो नेगेटिव साइड बन के रह सकता है, बट उसके लिए आपको ऑप्शन चेंज में जाके देखना पड़ेगा। आज के दिन ये मैं आपको मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऑप्शन चेंज का मैं विजिट करता तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ऑलमोस्ट 1 आवर का बन जाएगा। सो बेसिकली काफ़ी सारे लोग हैं जो ये पर्टिकुलर मार्केट के अंदर नए हैं, उसके लिए ये पूरा जो एक ही वीडियो में इंक्लूजन करना उसके लिए ज़्यादा उचित नहीं है। सेम वे आप यहां देख सकते हो बेसिकली पीडी लाइट के अंदर पुट साइड 141% का चेंज है और कॉल साइड 20% का चेंज है। तो बेसिकली पीडी लाइट में आने वाले टाइम में एक तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। सो इसके लिए भी आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको ये फॉर्मूला पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको ये पर्टिकुलर जो चेंज है कॉल और पुट साइड दोनों का चेंज ये पर्टिकुलर यहाँ ट्रू फॉल्स के जरिए मिल जाएगा। दीपक नाइट्राइट की हम बात करें तो 60% का चेंज कॉल साइड है और पुट साइड सिंपली 3% का है। सो बेसिकली ऐसे काउंटर में आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि कौन से काउंटर में कितना चेंज हो रहा है, और उसके बाद ये पर्टिकुलर एनालिसिस आप एक बार एक महीने के लिए एक्सरसाइज करते हो। उसके बाद आपको लगातार ये पर्टिकुलर जो सेटअप आप यहाँ देख रहे हो उसको 3 या 4 दिन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आज ये अपने आउटपुट यहाँ देख रहे हो, कल के दिन अगेन सेम प्रोसीजर यहाँ इंसर्ट में जाके करनी है और सेम वे ये पर्टिकुलर एनालिसिस करना है। तो आपको ये पर्टिकुलर और ही मिल जाएगा कि आइडिया के अंदर कल के दिन ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर लॉन्ग बिल्डअप आज ही जारी है, या तो थोड़ा उसमें रिड्यूस हुआ या एडिशन हुआ, क्या हुआ। तो बेसिकली कल के दिन आप भाव कॉपी अगेन डिकोडिंग करते हो और दोनों को आप एनालिसिस करते हो तो आपको मोटा मोटा आइडिया पता चल जाता है। सो बेसिकली आज के दिन ये पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम यही सीखने का प्रयास करेंगे कि BEL में आप देख सकते हो -5 यानी कॉल अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गया, पुट में बहुत बड़ी पोजिशन बन रही है।